हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर स्केप यूट्यूब चैनल। और टॉप मोस्ट यूज़ होने वाली जो बग हंटिंग टूल्स है उसके ऊपर ही मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे टूल के साथ, और वो है एक्सेस स्ट्राइक। जो है वो एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर बनाई गई टूल है जो पाइथन बेस्ड है दोस्तों। तो ये टूल्स काफ़ी मोस्ट पॉपुलर टूल है दोस्तों। एडवांस लेवल की जो बग हंटिंग होती है उस प्लेटफॉर्म में ये टूल जो है वो यूज़ होती है, तो आपको पता ही चल चुका होगा कि ये टूल कितनी पॉपुलर है। और टूल्स दोस्तों पॉपुलर होते हैं उसकी फीचर्स, तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको कर देते हैं इस टूल के बारे में कि उसकी जो फीचर्स है वो क्या क्या है और क्यों ये टूल इतनी पॉपुलर है। चलिए आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मैंने राइट हैंड साइड पे जो है मैंने वो ओपन करके रखा है गिटहब की रिपोजिटरी, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये है देखिए एक्सेस स्ट्राइक। तो थोड़ा हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और आपको पता ही होगा दोस्तों जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप्स होती है। एक तो स्टोर्ड होता है, एक रिफ्लेक्टेड होता है, और दूसरा डोम बेस होता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डोम बेस एक्सेस जो है वो इस टूल की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं इस टूल की मदद से, मतलब कोई भी इनपुट फील्ड पे जाके आप अगर यूआरएल या फिर पैरामीटर जो भी है आपका वो अगर डाल दीजिएगा और उसके हिसाब से अगर कोई रिफ्लेक्शन जनरेट करती है वो वेबसाइट, तो वो रिफ्लेक्टेड एक्सेस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर ये टूल है किस फीचर्स की वजह से, वो है क्रॉलिंग दोस्तों। मतलब आप इस टूल को अगर कोई यूआरएल टारगेट जो है आप प्रोवाइड कर देंगे, तो ये क्या करेगा उस यूआरएल के अकॉर्डिंग जितने भी सारे इनपुट फील्ड्स हैं उस पेज में, वो सारे के जाके वो सारे को वो फाइंड करेगा, और उसमें जाके अपना जो पेलोड्स है इसके अंदर लगभग 3072 पेलोड है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो सारे पेलोड उसमें ट्राई करेगा एक एक करके, और आपका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने ला के दे देगा। मैनुअली आपको कोई भी पेज में जाके खुद ब खुद करना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी वो करके जनरेट करके दे देगा दोस्तों। बस आपको बस अपना जो है टारगेटेड यूआरएल उसको प्रोवाइड करना पड़ता है ये। और थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये पाजिंग, ये भी एक फीचर है दोस्तों, इसके बारे में भी हम देखेंगे टूल में। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस टूल की जिसके लिए ये और भी पॉपुलर होते हैं, वो है दोस्तों ब्रूट फोर्सिंग। ये ब्रूट फोर्सिंग पेलोड्स, मतलब आपके पास अगर आपका खुद का कोई पेलोड का एक लिस्ट है तो आप वो जनरेट कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, और आप जब मैनुअली कोई साइड में जाके एक्सेस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले किसी भी इनपुट फील्ड पे जाके आप पैरामीटर डालते हैं, अपना जो पेलोड है उसको डालते हैं। अगर वो पेलोड नहीं लिया तो आप उसको इनकोडेड करके फिर से डालते हैं, मतलब इनकोडेड किसी किसी पैरामीटर जो है वो इनपुट बिना इनकोडेड में ले लेता है, और कोई जो है पेलोड जो है वो इनकोडेड विद इनकोडेड अगर आप करेंगे तो ही लेगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको उसकी जो है अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, मतलब एक बार रॉ पेलोड आप डालेंगे उसके बाद उसको इनकोड करके डालेंगे। तो ये जो ब्रूट फोर्सिंग वाला पोर्शन है इसमें क्या है दोस्तों, ये उसकी जो आपका जो पेलोड है जो आपके पास अगर कोई है बनी बनाई वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके पास खुद का जो पेलोड है वो एक बार डालेगा और उसके बाद उसको इनकोड करके फिर से एक बार डालेगा। मतलब इनकोड करने की जो झंझट है वो आपको करना नहीं पड़ेगा, ये टूल जो है वो खुद ब खुद आपको कर देगा। मतलब एक ही पेलोड को दो बार डालेगा आपके लिए, एक इनकोडेड में एक विदाउट इनकोडेड में। तो ये जो इसमें जो बग फाइंडिंग की जो चांसेस है वो कई ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए और जो फीचर्स है इसकी, इंटरनेट की HTTP हेडर्स प्रॉम्प्ट, ये आपको HTTP हेडर की इंफॉर्मेशन जो है वो ला के दे देता है। हिडन पैरामीटर भी आपके लिए ढूंढ के देता है ये टूल्स। तो काफ़ी अच्छा पॉपुलर टूल है और काफ़ी वाइडली यूज़ होती है टूल। तो चलिए टूल के बारे में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको देने की कोशिश की, अब हम चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। तो चलिए ये गिटहब की रिपोजिटरी है, तो गिटहब से ये टूल जो है मैंने ये URL जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ, बट आता हूँ हमारा Alienus कंसोल के ऊपर। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक बग हंटिंग टूल्स बोल के एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है। जितने भी सारे मेरे टूल्स हैं वो मैं यहीं पे अपना इंस्टॉल करूँगा, और ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, और कोई भी टूल इंस्टॉल करने के लिए गिट से हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, गिट क्लोन करना पड़ता है। तो हम यहाँ से गिट क्लोन कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको पहले एक बार किया था तो इसीलिए ये जो URL है
मेरे को शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे जाकर मैंने इंटर मार दिया और ये जो हमारे बघंटिंग टूल्स की जो फोल्डर है उसमें ये डाउनलोड हो गया। तो चलिए एक बार इस पर एलएस मार के देख लेते हैं। देखिए ये एक्सेस स्ट्राइक ये जो फोल्डर है यहाँ पे आ गया। तो आप इससे यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा और सीडी करेंगे हम और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे उसको एंटर मारेंगे। तो चलिए हम ये जो फोल्डर है इसके अंदर घुस गए। तो यहाँ पे एलएस मारेंगे तो उसकी जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने देखिए आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन है कि ये जो रिक्वायरमेंट .txt फाइल है इसको हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ। ये इस टूल को प्रॉपरली रन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो ये जो txt फाइल है इसके अंदर है। ये रिक्वायरमेंट आप मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन टूल्स में ऑलरेडी इसको दिया गया है तो आप इसके ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए कैट और रिक्वायरमेंट .txt जैसे हम करेंगे और एंटर मारेंगे, देखिए ये TLD फजी विजी और रिक्वेस्ट ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है मतलब डिपेंडेंसी है इस टूल को ज़रूरत है स्मूथली लर्न करने के लिए। तो चलिए पहले हम ये आप खुद ब खुद खुद से कर सकते हैं, लेकिन वो झंझट में हम नहीं जाएंगे। हम जो रिक्वायरमेंट .txt है उसको चला देंगे और वो ऑलरेडी वो इंस्टॉल कर देगा हमारे लिए। चलिए थोड़ा हम स्क्रीन को जो क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे जाके pip ये देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसकी जो कमांड है pip install -r requirement.txt हम जैसे इंटर मारेंगे दोस्तों ये खुद ब खुद जो है अपना डिपेंडेंसी ऐड कर लेगा। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी ये करके रखा था तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल रहा है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा अगर आप नए कर रहे हैं। तो चलिए ये हम क्लियर कर लेते हैं इसको और बस हमारा जो टूल है ये प्रॉपरली रन करने के लिए कंप्लीट हो चुका है। बस और कोई भी चीज़ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ हमको चाहिए वो है हमारा जो टारगेट। कि आप ये पाइथन बेस्ड टूल है तो हम टाइप करेंगे python3 और जो है हमारा python3 और उसके बाद xsstrike.py और उसके बगल में हम लगाएंगे -h मतलब हेल्प जो कमांड को हम देख के हम देखना चाहते हैं कि जो टूल से प्रॉपरली काम कर रहा है। तो देखिए ये चल गया मतलब ये काम कर रहा है। तो बस मैनुअली चेक करने के लिए टाइप किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसकी पैरामीटर्स है स्विचेस है उसके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों कि ये क्या है। देखिए ये उसकी स्विचेस है, आप देख सकते हैं h जो है हेल्प के लिए है, मैंने जो टाइप किया अभी। यू जो है इस वो टारगेट के लिए है, मतलब यू के बगल में आप अपना टारगेट जो URL है उसको टाइप कर सकते हैं। देखिए डेटा परम डेटा की इनपुट फर्जर्स अपडेट टाइम आउट प्रॉक्सी क्रॉल जेसन बहुत सारे स्विचेस है दोस्तों। आप एक के बाद एक यहाँ पे देखिए और भी सारे हैं, स्किप डोम है, ब्लाइंड है, सारे के सारे स्विचेस को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको फिलहाल हम करेंगे क्लियर और हमारा जो टूल्स है उसको प्रॉपर अगर काम कर रहा है या नहीं वो हमने चेक कर लिया। अब हमको ज़रूरत है एक टारगेट की, तो कोई भी टारगेट पे जाके हम तो ये नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि ये लीगल नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई भी वेबसाइट नहीं पकड़ सकते तो लीगल नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, जो बनी बनाई साइड है, जो एक साइड अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो साइड है आप देख सकते हैं demo.testpad.net ये एक्चुअली ये साइड वल्नरेबल साइड है। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे के वल्नरेबिलिटी जो है आपको इस साइड में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बेसिकली ये साइट जो है बनाए गए हैं जो बिगिनर्स है उसके लिए, जो यहाँ पे जाके अपना जो टेस्टिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। मतलब कोई साइट पे जाके रियल लाइफ में आप कोई भी साइट में जाके ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर वो URL जो है वो किसी बग हंटिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है तो आप किसी भी साइट पे जाके नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगल नहीं है, और जो लीगल इलीगल चीज़ है वो इस चैनल में नहीं दिखाया जाता दोस्तों। तो इसीलिए हम जो बनी बनाई साइड है जो सारे के सारे बिगिनर्स लेवल जो है वो यहीं पे टेस्ट करता है और फिर जाके किसी प्लेटफॉर्म में जाके वो अपना URL जो भी है अपना टेस्टिंग वगैरह करता है। तो चलिए ये जो demo.testpad.net ये हमारा आज टारगेट है, तो इसी के ऊपर हम आज जो अपना टेस्टिंग वगैरह है वो करेंगे। तो चलिए ये एक इनपुट फील्ड है और इसी इनपुट फील्ड के ऊपर हम अपना टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया और यहाँ पे जाके हम गो करेंगे। जैसे ही गो करेंगे देखिए ये जो गेट रिक्वेस्ट है ये हमारे URL पे देखिए ये आ गया। बस ये पैरामीटर हमको चाहिए और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और चले जाएंगे हमारे कंसोल के ऊपर और यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन
और यहाँ पे माइनस यू डालेंगे क्योंकि ये यू मतलब टारगेटेड यूआरएल, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पैरामीटर है पूरा पैरामीटर हम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। तो बस यहाँ पे जाके हम एक बार एंटर मार देंगे तो ये टूल्स जो है देखिए वो काम करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3072, मैंने आपको कहा था कि पेलोड्स जेनरेटेड 3072 मतलब 3072 वाला पेलोड उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है और वो अपना एक एक पेलोड को इस जो ये जो इनपुट फील्ड है इसके ऊपर डालेगा और वो वल्नरेबल है या नहीं उसकी रिजल्ट आपको यहाँ पे देखिए ये एफिशिएंसी लेवल आपको दे रहा है यहाँ पे 93% और जो कॉन्फिडेंस है मतलब 10% मतलब ये जो पेलोड है ये पेलोड से ये जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है इसकी रिजल्ट आपको दे दिए। तो बहुत सारे पेलोड भी ये खुद बहुत ऊपर जेनरेट करेगा और वो इनपुट करके भी देगा। ये देखिए ये जो पेलोड है ये एक बार उसने क्या किया ये जो पेलोड है इसने एक बार नॉर्मल पेलोड डाल रहे हैं और एक बार इनपुट करके डाल रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको वल्नरेबिलिटी यहाँ पे अराइज होगा। दोस्तों देखिए 3072 उसने 91 प्रोग्रेस बूट किया है। बहुत सारे ये करेगा अपना आप जो फीचर्स है और भी बहुत सारे इसके स्पीचेस है उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये जो टूल्स है इसके बारे में मैं इसकी ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगा क्योंकि आगे जितने भी स्विचेस है जो भी है उसके बारे में आप अपना अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट कर लेना क्योंकि ये टूल्स जो है बहुत ब्रीफ टूल है। इसके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा ये वीडियो कि जितने भी सारे स्विचेस है उसके अपना अकॉर्डिंग आप उसको लगा के देखिए। कोई भी URL जो टारगेटेड URL है वो तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया तो उसका अकॉर्डिंग आप जितने भी सारे स्विचेस है उसको लगा के देखिए और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप गैदर कीजिए क्योंकि ये सब चीज़ करने से आपका जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो से मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक और शेयर कर देना और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना क्योंकि एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी और बग हंटिंग रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो है नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों वो भी हिंदी में। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए आपका दिन जो है वो शुभ हो।